नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप चाहे तो जेंट्स स्वेटर में डालें, बच्चों के स्वेटर में डालें, लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में डालें, गर्ल्स कार्डिगन में डालें, टॉप में डालें, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे डाल सकते हैं। ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा और इसे बनाना बहुत ही आसान है। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिज़ाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 5 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा, तो मैंने 22 फंदे डाल लिए हैं। बॉर्डर बनाने के बाद हम पहली लाइन में सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। अब आपको यदि अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं। तो पहली लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। डिजाइन हमारा रॉन्ग साइड से डलना शुरू हो जाएगा। तो हमने पहली लाइन में सभी फंदों को सीधा बुन लिया। तो हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होता है। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है। पहले फंदे को हम या तो उल्टा बुनेंगे या फिर स्लिप कर लेंगे। अब 5 फंदों को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। 2 बार लपेटा, उल्टा बुन लिया, 2, 1, 2 बार लपेटा और उल्टा बुन लिया, 3, 4, 5। तो 5 फंदों को हमने सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुन लिया है। अब 5 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू हो जाएगा, यानी 5 फंदों को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे, 2, 3, 4, 5 और अगले 5 फंदे हम उल्टा बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ये आखिरी फंदा एज स्टिच है तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो पहला फंदा एज स्टिच है, इसे या तो सीधा बुनें या फिर स्लिप कर लें। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा। 5 फंदे जिसे हमने उल्टा बुना था उसे हम सामने की तरफ से सीधा बुन लेंगे। और ये 5 फंदे जिन्हें हमने लपेटा हुआ था इसे हम खोल लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन लपेटे हुए 5 फंदों को हम 2 हिस्से में बांटेंगे, 2 फंदा बाईं सिलाई में और 3 फंदा दाहिनी सिलाई में। अब बाईं सिलाई वाली, बाएं हाथ वाली सिलाई को हम इन 3 फंदों में पीछे की तरफ सिलाएंगे। देखिए, पहले की तरफ से हमने सिलाई डाला और तीसरे फंदे में ऐसे निकाल दिया। फिर से देखिए, हमने बाईं सिलाई को पीछे की तरफ से देखिए ऐसे डाला और ऐसे निकाल लिया। अब ये तीनों फंदे पलट जाएंगे और इन्हें हम एक साथ लेंगे। देखिए, 5 फंदों को हमने एक साथ ले लिया और अब इन 5 फंदों से 5 फंदे बनाएंगे, 1 गुन अपनी ओर किया, ये हो गया 2, फिर सीधा बुना, 3, फिर उन अपनी ओर किया, 4 और फिर इसी में एक बार और सीधा, 5। तो 5 फंदों से हमने 5 फंदे बना लिए। अब हम इन्हें गिरा देंगे।
अब देखिए फिर यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा। ये पांच फंदे हमने जिसे उल्टा बुना था उन्हें हम वापस सीधा बुन लेंगे। एक दो तीन चार पाँच, और लपेटे हुए पांच फंदों को हम खोलेंगे। एक दो तीन चार पाँच। अब इन पांच फंदों को हम दो हिस्से में करेंगे, दो फंदा बाएं सिलाई में और तीन फंदा दाहिने सिलाई में। अब बाएं सिलाई को पीछे की तरफ से ऐसे लाएंगे और इन तीनों फंदों के अंदर से ऐसे निकाल देंगे। अब देखिए बीच वाला फंदा हम जब अपना सिलाई खींचेंगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब इन पांच फंदों को हम एक साथ लेंगे और देखिए हम बैक लूप से सीधा बुन रहे हैं। हमने इधर से सिलाई नहीं डाली है बल्कि जो फंदा ऊपर की तरफ आया है उधर से ही ऐसे बैक लूप से हम बुनना शुरू करेंगे। एक फंदा बनाया, ऊन अपनी ओर किया, ये दूसरा फंदा हो गया, फिर इसी में तीन ऊन अपनी ओर, फिर हमें इसे गिराना नहीं है, इसी में एक फंदा और बनाना है, तो ये हो गया पांच। पांच फंदों से देखिए एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदों से पांच फंदे हो गए। अब इन्हें हम गिरा देंगे। लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम सीधा बुनेंगे। तो हमने दूसरा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब हमारा यहाँ से पैटर्न चालू होगा। अब जिन पांच फंदों को हमने लपेटा था उन्हें हम नॉर्मली उल्टा बुन लेंगे। एक दो तीन चार पाँच, और देखिए यहाँ पे हमने पांच फंदों को उल्टा बुना था तो अब इन पांच फंदों को हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। एक दो तीन चार पाँच, तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं दस फंदों को हमें दूर आना है। अब देखिए यहाँ पे पिछली बार हमने डिज़ाइन बनाया था तो अब की इन पांच फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। एक दो चार पाँच, और इसे इन पांच फंदों को हमने उल्टा बुना था तो अब की डिज़ाइन यहीं पे पड़ेगा और इन पांच फंदों को हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुन लेंगे। लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ। तो पहला फंदा एज स्टिच है, इसे हम चाहें तो सीधा बुने या फिर स्लिप कर लें। अब लपेटे हुए पांच फंदों को हम खोलेंगे। इन पांच फंदों को हम दो हिस्से में करेंगे, बाएं सिलाई को पीछे की तरफ से ले आएंगे और ऐसे तीनों फंदों में डालेंगे। अब दाहिनी सिलाई को निकाल लिया। अब पांचों फंदों को हम एक साथ लेंगे और इन पांच फंदों से पांच फंदा बनाएंगे। एक उन अपनी ओर किया, दो, फिर इन्हें पांच फंदों में तीन, उन अपनी ओर किया चार, और फिर इन्हीं पांच फंदों में हम पांचवा फंदा भी बना लेंगे। तो पांच से हमने पांच फंदे बना लिए। अब इसे हम गिरा देंगे और देखिए यहाँ पे हमने डिज़ाइन बनाया था पिछली लाइन में। अब इन पांच फंदों को हम नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं दस फंदों को हमें दोहराना है। अब फिर हमारा यहाँ से रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा। इन पांच लपेटे हुए फंदों को खोलेंगे, दो हिस्से में करेंगे, बाएं सिलाई में दो फंदा, दाहिने सिलाई में तीन फंदा। बाएं सिलाई को हम पीछे की तरफ से ऐसे दाहिने सिलाई वाले फंदों में पीछे की तरफ से ऐसे डालेंगे और तीनों फंदों में ऐसे निकाल लेंगे। अब
हमने दाहिने सिलाई को हटा लिया और इन पांचों फंदों को एक साथ लेंगे और हम सीधा बुनते हुए बैक लूप से सीधा बुनते हुए पांच फंदा बनाएंगे। एक उन अपनी ओर, दो तीन उन अपनी ओर, चार और पांच। अब लास्ट में छह फंदे बचे हैं तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। और इस तरह हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। इन्हीं चार फंदों को हमें, इन्हीं चार लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है जिससे ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। 10 फंदों का और 4 लाइन का ये खूबसूरत सा डिजाइन है। देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन है। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।